everyone, this is Imranko and welcome back to my channel. Welcome back with a new vlog. So guys, फिलहाल अभी देखो मेरे सिर पे क्या कर रखा है. आज संडे यार, हेयर वॉश किया एंड ये मैं हाथों के रेडी हो चुकी हूँ विद माई कम्फर्ट क्लोथ्स. या गाइज, दिस इज माई कम्फर्ट क्लोथ्स एंड अभी देखते हैं क्या करना है. आज का पूरा डे आपको मैं दिखाऊँगी, तो मैं ब्लॉग को शुरू करते हैं. लेट्स गो. देखो अभी फिलहाल यहाँ पे टी वी चल रहा है, बट कोई भी नहीं बैठा हुआ यहाँ पे देखने के लिए मेरे सिवाय. बिकॉज अभी भी वहाँ के आई हूँ, मैंने हाथ पे ब्लॉग शुरू कर दिया. आपके यहाँ पे चलते चल रहा है सौरभ जोशी, एज यूजल यही चलता है हमारे घर में. बाहर देखते हैं. चलो इधर अर्श रो रही है. अर्श क्यों रो रहे हो? देखो कितनी आज ज्योमेट्री यहाँ, देखो सही है, देखो चूंकि बॉस कितनी सारी ज्योमेट्री बॉक्सेस है. वाह देखो, अरे और ये तो कितनी ब्यूटीफुल है, यूनिकॉर्न वाली. अरे और मंगन दे पॉपिट वाले तो अच्छे. तो ये है शक्ल पर्पल करवा दो. तो क्यों बखाई सबको दिखा दो, दिखाओ सबको दिखाओ. ये बोलो ये मेरी मैट्री बॉक्स है. देखो लैपटॉप का बैग तो निकाल लिया है, अब इसको बाहर भी निकाल देते हैं. अरे यार, एक हाथ से ब्लॉक करो और दूसरे हाथ से क्या हो, लैपटॉप निकालो. सस्ता मैकबुक हमारा पापा को चौंक के आते हैं. चलो की खाते सीखे मैं ड्राई फ्रूट खाने तू. हाँ. नहीं तो मैं तेन कहनी पई तू ड्राई फ्रूट खाते थी. हाँ ना खाते सी. क्यों वही गल कर. फाइनली गाइस अब टूर बाइक कर लिया है. देखो इधर क्या चल रहा है, मेरी अलमारी समेटने की तैयारी हो रही है. इतना गंद डाल रखा है, देखो मैं खुद कह रही हूँ मैंने कितना गंद डाल रखा है अपनी अलमारी में. गाइस ये बॉक्स मंगवाया है मैंने, जैसे कि जो मेरा नीचे का सामान है ना, ये बड़ा सारा सामान ये इसमें. तो गाइज अब से मैं लैपटॉप पे एडिटिंग करूँगी. जरूर आती है वैसे तो, बट वो पेड़ था, मैं कोई इसलिए नहीं हो पाया था एडिटिंग वगैरह का. अब सॉफ्टवेयर फाइनली खरीद लिया है, सो हैप्पी ना. अभी अरे ब्लॉग मैं लैपटॉप से एडिटिंग करूँगी और एक प्रोफेशनल बन जाऊँगी. का चिका ढिंका चिका ढिंका चिका ये बन क्या रहा है इतना जो सिटी. जा रहे हैं ऊपर, बिकॉज ऊपर में ऐसा क्लाउडी वाला मौसम हो रखा है और बारिश भी हो रही है. सबसे मुश्किल टास्क खोलना होता है इसको. इट्स वेरी नाइस. एकदम काले काले बादल रहे हो रहे. देखो ये देखो, और हम जूस इंजॉय कर रहे हैं. क्या क्या है उधर देखो गाइस, और इधर देखिए. हाँ मतलब हल्की की बारिश हो रही है, बट बारिश में मजा आ रहा है. किस चोट लगी है? हाँ बाल के ऊपर, के ऊपर चोट लग, ठीक है ना? और अभी ऊपर आया, बारिश ही नहीं हो रही है. मौसम अच्छा है, बारिश ही नहीं हो रही.
चुकी काट दी भैया गाइस के देखो लिटरली इसके बाल देखो गाइस जब ये पैदा हुई थी ना तो जब इसके हमने देखा ना उसके बहुत ज़्यादा बाल थे सही एंड अभी तो उसके देखो अभी छोटी है गाइस सीरियसली अभी तो आई थिंक से फोर ईयर्स की है उसके बाल देखो लिटरली मेरे इतने बाल थे जब मैं आई थिंक सो हाँ 9-10 साल की थी तब मेरे इतने बाल थे पूरे एंड क्या था कि मेरे छोटे बाल थे ना तो दीदी के बाल थे बहुत बड़े तो मैं कहती कि यार मम्मी मुझे भी लंबे बाल चाहिए ऐसे मुझे हम ऐसे करके दो मेरे बाल काश मेरे भी लंबे बाल मैं ऐसे बोलती थी पहले तो ठीक है ना बट अब मुझे चाहिए छोटे बाल अब मेरे बाल बड़े हैं या बड़े बाल भी होगा संभाल जाते हैं छोटे बाल हम हाँ हम संभाल सकते छोटे बाल बट बड़े बाल तो चलो गाइस आज मैं आपको बताती हूँ अपने शब्द का टूर अपने कोठे का टेरेस का टूर तो चलो शुरू से स्टार्टिंग से आपको मैं दिखा यहाँ से मैं ऊपर आई ठीक है और ये आ गया हमारा एक छोटा सा गेट प्यारा सा और इससे आगे हम आ गए यहाँ पे यहाँ आएंगे तो ये सारे बहुत सारे प्लांट्स हैं बहुत आपको ज़्यादा लग यहाँ पे बहुत तरह के प्लांट्स दिखेंगे फिर एक साइड बनेरा दिखेगा पंजाबी बनेरा बोलते हैं एक और प्लांट ठीक है ना और फिर सीधा आएंगे तो यहाँ बहुत सारे प्लांट मिलेंगे आपको हाँ है ना यहाँ कितने सारे प्लांट आ गए और यहाँ ख़त्म हो गए ख़त्म हो गए क्या मिला दिखा क्या मिला आई नींबू मिल गया जाओ रखा वहाँ पे सब जाके दे दी मम्मा रख ला तो यहाँ तक वहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत सारे प्लांट है एंड इधर से जाएंगे तो एक एलोवेरा का पेड़ लगा हुआ है सॉरी भाई गाइस पेड़ नहीं है यार बूटा यार प्लांट है ठीक है नहीं एलोवेरा का पेड़ लगा तो या फिर पेड़ बोल रही हूँ मैं पागल औरत और यहाँ पे एक एसी है सॉरी एसी का जो पता नहीं क्या बोलते हैं और इसके साथ ही एक ये है एसी और यहाँ पे क्लास रखा है और ये है हमारा मुग इसको हम वैन बोल सकते हैं मुग हमारे तो चलता है कहीं चलता बड़ा वो होता है कैसा होता है ये इसमें एंड ये हमारा मुग है इसके नीचे ये देखिएगा इसे ढक रखा है बहुत गंद पड़ा हुआ है इसके नीचे ठीक है ना एंड इससे इधर आएंगे तो आपको टेबल दिखेगी जो कि दादी की बहुत ज़्यादा पुरानी टेबल है अच्छा ठीक है ना एंड इसके साथ फिर से आपको ये कुछ प्लांट्स दिखेंगे ये प्लांट्स फिर से एंड सारी ईटें रख रखी है हमने ना कंध करवा रखी है बिकॉज हमारा ना सेपरेट हमें लगता है अच्छा तो ये सारी हमने कंध करवा रखी है वैसे थिया उतना ही सीमर तक की था फिर हमने करवा लिया इतना ज़्यादा ठीक है ना ओके फिर यहाँ से आएंगे तो प्लांट्स एंड ये सारा ऐसे ही फिर यहाँ पे आता है हमारा वॉशरूम छोटा सा टेम्पररी हमने बना रखा है वैसे पापा को बोल रही हूँ स्टूडियो बना लेके वॉशरूम को सारा उसको हटा के ना दोबारा से स्टूडियो बनवा दो मेरा तो सोच रहे हैं हम ठीक है ना ये जो ये वाला था ना पहला ये वाला वॉश मशीन ये था पहला नीचे फिर ये उठनाया आ गया नीचे फिर हमने उठा के यहाँ रख दिया क्योंकि उसे पानी भी आता है ये वैसे हम यूज़ तो करते नहीं है एंड ये है वॉशरूम खुल गया ये ओके खुल गया ये है हमारा वॉशरूम बहुत गंद पड़ा हुआ है ऊपर से बस ये लगा रखा है जब नीचे कोई गया होता है अगर एमरजेंसी होती है तो फिर ऊपर आ जाता है ठीक है फिर यही है फिर साइड पेड़ पड़ा फिर से प्लांट है ये है सीढ़ी जो कि जाती है ऊपर को पंजाबी में बोलते हैं इसको मोंटी ठीक है ना मोंटी बोलते हैं ठीक है ये सारी ऊपर हम जाते हैं कभी कभी लोहड़ी पे हम चढ़ते हैं वहाँ पे गुड्डी काइट उड़ाते हैं ठीक है ना बारिश शुरू हो गई है चक्कर नहीं है इसको ठीक है ना ये मोंटी है बस यही है ये कचरा पड़ा हुआ है बारिश हाँ लग गई ज़्यादा बारिश आई बहुत घने बाद कल भी बारिश आई थी आज भी देखो क्यों क्यों तुम मालिक का तो मजा लेने आया हूँ ऊपर कोठे में अच्छा
एंड मैं तो एक बात बताती हूँ, हमारे 20 के सून होने वाले हैं, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, बटन प्रेस करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू जिसने कर रखा है एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। एंड अभी हमें बहुत कुछ करना है एंड बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर गेन करना है। चल चली फिर चल को ओके क्लास से जा, क्लास लेके आ, क्लास लेके आ। सो गाइस अभी हम आए हैं डोमिनोज में, बताओ किसके साथ? पनी के साथ। अभी हम खा पी के आ चुके हैं मॉल, मुंह उठा के देखो कपड़े देखो हमारे लोअर में, देखो जो आता है लोअर में मॉल। मैं हूं फैंसी चाचू, फिर ये देखो इनके देखो कपड़े, मेरे पर्सनालिटी देखो, मैं लोअर में आ गई थी उधर की भाग ले के लागे। चलो ठीक है, अंदर आओ लोग। नहीं आया यार, तो सर्दियों के कपड़े आया, आजा ऊपर ही आ भी को किड्डी जो आई खड़ी है। हम ब्याह कहीं भी टिक जाते हैं, आ देखता मैं ब्लॉग के बोलना नहीं, अभी वही पागल हो गए कम कम। मैं हर मन वास्ते भेज दंदे कुछ BTS दा मिल जे हर मन वास्ते। ओ अर्श किथे आ, आ जा इधर रख दो इथे पाके BTS दा मैनु पता किथों मिलना वा। ओना ने वही पर्पल कलर दा गया कुछ मिल जाना, मैंने सो दो ओन स्टेशनरी दा ज्यादा पसंद है कुछ। ओए वाह नाइस, आ देखो पर्पल कलर दे टोन चलो चलो।